एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मूंग दाल को पहले अच्छे से वॉश करके 2 घंटे उसे भिगो के रख दे। जब मूंग दाल अच्छे से भीग जाए तो उसे एक मिक्सर जार में डाल के उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना ले। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा पानी डाल दे। फिर एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे शुद्ध देसी घी। घी जब मेल्ट हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच से बेसन का, और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच रवा या सूजी, आप जो भी उसे बोलते हो वो भी मैं 1 चम्मच इसमें डालने जा रही हूँ। इससे मूंग दाल का हलवा बहुत ही दानेदार बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। पहले इसे भून ले 1 से 2 मिनट, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए। और इधर एक मैंने बोल में चीनी और पानी को मिक्स करके रख दिया है ताकि चीनी अच्छे से पानी में घुल जाए, और इसको लास्ट में डालेंगे। पहले बेसन और रवा को मैंने भून लिया है घी के साथ, थोड़ा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद उसमें डालेंगे मूंग की दाल का जो पेस्ट बना के रखा था वो भी मैंने डाल दिया है। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मूंग दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसे धीमी आंच में 10 से 15 मिनट मुझे लगता है लग जाएंगे इसको भी करने में। और धीमी आंच में इसे पकने दे। भूनते भूनते देखिए कैसा दानेदार अभी से ही दिख रहा है। तो अब जैसे इसका कलर चेंज हो जाए, उसमें चीनी और पानी देखिए अच्छे से घुल चुका है। अब ये चीनी और पानी का घोल मैं इस पैन में डालने वाली हूँ। इसे भी पूरा डाल दे, डाल करके मिक्स कर दे ताकि लम्स एक भी ना रहे। और अगर आपका मूंग दाल अच्छे से भून चुका है तो लम्स एक भी नहीं रहेंगे। और घी अच्छे से डालें इसमें, इसे हिलाते हुए पकाएं। बहुत जल्दी अब ये पक जाएगा क्योंकि पहले ये मूंग दाल ब्राउन हो चुका है। और देखिए कितनी जल्दी ये तैयार हो गया और ये रेडी है आपकी मूंग दाल का हलवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।